हेलो माय ब्यूटीज एंड आई एम बैक विद वन मोर वीडियो। एंड आज हम क्लीन करने वाले हैं अपने मेकअप ब्रशेस। ये मेरे मेकअप ब्रशेस हैं जो बहुत ही गंदे हो चुके हैं और अब मुझे इन्हें क्लीन करना है, और साथ ही कुछ ब्यूटी स्पॉन्जेस जिन्हें मैं क्लीन करने वाली हूँ। सबसे पहले चाहिए हमें एक मग और एक ग्लास, आप कुछ भी ले सकते हैं। इसमें मैं ऑलरेडी वाटर ले चुकी हूँ, सिर्फ 1/4 हमें वाटर से फिल करना है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे कोई भी हैंड वॉश, बेबी शैम्पू और कोई भी शैम्पू या फेस वॉश, हम इसे पानी में डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल भी डालेंगे, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, एनी ऑयल जो लगा हुआ है ब्रशेस पे, मेकअप उसे ब्रेक करने में हेल्प करेगा। उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अपने सारे ब्रशेस को इसमें डुबा देंगे। अब हम अपने मेकअप स्पॉन्ज लेंगे और इन्हें भी डुबा देंगे। ब्रशेस को क्लीन करने के लिए मैं यूज़ करूँगी अपने स्पॉन्जेस। पहले इसे अच्छी तरह रोल करेंगे इसके ऊपर। अब जब आप इसे टैप में वॉश करें तो एक बात का ध्यान रखें कि आप इसे ऐसे नहीं ऐसे पकड़ें, ताकि जो पानी है वो अंदर ना घुस जाए। ये अच्छे से क्लीन हो गया है, अब इसे साइड में रख लेंगे और दूसरा ब्रश लेंगे। यू कैन यूज़ योर हैंड ऑल्सो, अपना हाथ भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से इसे रब करेंगे हाथ पे। छोटे ब्रशेस को एक साथ क्लीन कर सकते हैं। ये मेरे जेल लाइनर का ब्रश है, मैंने थोड़ा सा हैंड वॉश लिया है हाथ में, अब इसे क्लीन करेंगे। जो भी जेल लाइनर इस पे लगा होगा वो सब क्लीन हो जाएगा। इन्हें अच्छे से मसाज करेंगे, फिर से थोड़ा सा हैंड वॉश लूँगी, इस पे डालूँगी, इसे मसाज करूँगी अच्छे से। हमारे जो ब्रशेज हैं वो बहुत अच्छे से क्लीन हो चुके हैं, बिल्कुल नए जैसे लग रहे हैं। अब हम लेंगे कोई भी हैंकी या हैंड टॉल और इन्हें डैब करेंगे इसके अंदर, जो भी एक्सेस वाटर है वो अब्जॉर्ब हो जाए इसमें। ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टाटा।